आदरणीय राष्ट्रपति महोदय एवं उपस्थित सभी महानुभावगण, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष एवं इस ऐतिहासिक दरबार हॉल में अपने अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर मिलना मेरे लिए अत्यंत ही गौरव एवं सम्मान का विषय है। माननीय महोदय, मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक छोटे से गाँव अमदरा को की निवासी हूँ, जहाँ प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं महिलाओं की साक्षरता दर आज भी चिंता का विषय है। इसके बावजूद मैं आभारी हूँ महोदय उन्हीं शासकीय विद्यालयों एवं तकनीकी महाविद्यालयों की, जहाँ शिक्षा ग्रहण करके आज मैं राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय कर पाई। मैं आभारी हूँ अपने माता पिता की, जिन्होंने लड़का लड़की का भेद ना करते हुए मेरे अंदर की महत्वाकांक्षाओं को सदैव अपने जीवन की प्राथमिकता बनाई। उन्होंने मुझे अपने गाँव, अपने देश और अपनी संस्कृति पर सदैव गर्व करना सिखाया, और इसका ही परिणाम है कि मैं आज न केवल अपने गांव बल्कि अपने संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देने के काबिल बन पाई। माननीय महोदय, एक प्रशिक्षु से एक जिम्मेदार सिविल सेवक बनने का हमारा सफर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी के 92 फाउंडेशन कोर्स से प्रारंभ हुआ, जहाँ पर अनुशासन, समयबद्धता एवं अंतर सेवा कमराडरी जैसे मूलभूत गुण हमें सिखाए गए। स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास होता है, और इसका अभ्यास हमें प्रातःकालीन पीटी एवं योगासनों से कराया गया। पाठ्येतर गतिविधियों के द्वारा हमें आपस में जीवन पर्यंत संबंध, मित्रता एवं स्पिरिट डेकोर का पाठ सिखाया गया। माननीय महोदय, 50 दिवस के भारत दर्शन में हमने इस महान देश के विशाल विस्तार, अद्भुत सौंदर्य एवं अचंभित कर देने वाली विविधता को देखा एवं अंतर्निहित किया। परिवीक्षा के प्रथम फेज के प्रशिक्षण के दौरान अकादमी में हमें एक जिम्मेदार सिविल सेवक के सारे गुणों से निष्णात किया गया। विशेषज्ञों द्वारा हमें भू राजस्व, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता एवं क्षेत्रीय भाषा का भी सम्यक ज्ञान प्रदान किया गया। अकादमी के सैद्धांतिक प्रशिक्षण के उपरांत महोदय, हम एक वर्ष की अवधि के लिए क्षेत्र प्रशिक्षण हेतु अपने काडर्स में गए। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय रहा, क्योंकि हमने सामान्य जनमानस के साथ सरकारी तंत्र का संबंध एवं उस तंत्र के एक हिस्से के तौर पर हमारी अपनी जिम्मेदारियों को हम समझ पाए। एक सिविल सेवक के रूप में जब मैं प्रथम बार कलेक्टर कार्यालय गई और वहां के कार्यों को मैंने निकटता से परिलक्षित किया, तब मुझे अत्यंत जवाबदेही एवं चुनौती का आभास हुआ। माननीय महोदय, द्वितीय फेज के प्रशिक्षण के उपरांत हमें 3 महीने की समयावधि के लिए सहायक सचिव के तौर पर केंद्र सरकार के साथ भी कार्य करने का एवं सीखने का अवसर मिला। इन 2 वर्षों की यात्रा के उपरांत महोदय, हम स्वयं को राष्ट्र निर्माण हेतु अधिक प्रेरित एवं समर्पित पाते हैं। मैं अपने शब्दों को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। कृशकाय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक, नवभारत को दुनिया वाले चिरयुवा नाम से जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर एंड सीनियर ऑफिसर।